श्री कृष्ण कहते हैं कि दूध दूध तो आपको पता ही है, जितनी कीमत में आता है उतनी ही कीमत में दही या दूध से ही बनने वाली और कोई चीज़ आती है, जैसे कि पेड़ा हो गया या दही या जो भी हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर दूध की कीमत में वो चीज़ें नहीं आती, उससे महंगी या उससे कम दाम में आती है उसका कीमत, उसकी कीमत दूध इतनी कीमत नहीं रहती। उसी तरह जन्म से कोई नीचा बड़ा, ऊपर नीचे, कोई बड़ा है कोई छोटा है, ऐसे नहीं होता। कर्मों से, अपने गुणों से, अपने कर्मों से आपको पता चलता है और दूसरों को भी पता चलता है आप कैसे हो और आप कैसे हो और आप क्या करते हो और आप कितने अच्छे हो, कितने बढ़िया हो, कितने अलग हो। खुद को अच्छा बनाओ, खुद को अच्छा बनाओ, खुद को शांत बनाओ, खुद को अहंकारी मत बनाओ। आपने ज़िंदगी में ऐसे लोग देखे होंगे जो आपको बताएंगे कि आपको जीवन में क्या करना है, पर आपने ऐसे कभी लोग नहीं देखे होंगे जो आपको बताए कि जीवन में क्या नहीं करना। ऐसे आपको बताने वाला वो चीज़ है जो आपको जीवन में कभी नहीं करनी। सबसे पहली चीज़, कभी भी क्रोध में उत्तर मत दो। दोस्तों, क्रोध में उत्तर दिया हुआ आपके लिए जीवन भर प्रश्न बन जाएगा, क्योंकि क्रोध कुछ ही क्षण के लिए, कुछ ही समय के लिए होता है और उसी क्रोध आपको जिंदगी भर पछतावा होगा, क्योंकि वही प्रश्न आप, वही उत्तर आपके रिश्ते भी तोड़ सकता है या आप कुछ भी कर सकता है। कभी भी क्रोध में उत्तर मत दो। दूसरी चीज़, दूसरी बात, कभी भी दुखी हो तो उस समय कभी भी निर्णय मत लो। कौन से भी समय निर्णय मत लो। अच्छे हो जब शांत हो, उसी समय निर्णय लो। जब आप शांत होते हो, जब आपका दिमाग शांत होता है, उस समय निर्णय लो। जब बहुत खुश में होते हो तब निर्णय लोगे तो नहीं, वो निर्णय सही नहीं होगा। कभी भी शांत होते हो तभी निर्णय लो। और कभी भी खुशी में, तीसरी बात, कभी भी खुशी में किसी को वचन मत दो। वही वचन आपको बहुत ही नुकसान देगा, बहुत पछतावा होगा बाद में, क्योंकि खुशी में वचन कुछ भी देते हो आप और वही वचन आपको पूरा करना पड़ता है और वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए आप पूरा नहीं कर पाते और उन वचन के नीचे दब जाते हैं। इसलिए कभी भी खुशी में वचन मत दो। दो पर जब अच्छे और सही और शांत रहते हो तभी। दोस्तों, इंसान बहुत जल्दी करता है, कौन सी भी जल्दी चीज़ कर देता है, कौन सी भी चीज़ हो। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो काम को करते हैं जल्दी 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 करते हैं और सही से नहीं करते। जल्दी करते हैं पर वो सही से नहीं करते। आपको कभी भी जल्दी में निर्णय नहीं लेना, नहीं तो वो जल्दी का निर्णय बाद में आपको पछतावा और बहुत बड़ा नुकसान होगा। और किसी के साथ भी आपको अच्छे से ही रहना है। बहुत सारे लोग हैं जो कि ऐसा सोचते हैं कि उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा बुरा व्यवहार, बुरा बर्ताव किया है, मेरे बुरा सोचा है, बुरा किया है, तो मैं भी उसके साथ बुरा ही करूँगा। ऐसा करो पर नहीं, करो पर नहीं। लोग देख के सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। लोग अच्छे हैं तो उनके साथ अच्छा ही रहो, ना कि बुरा। और जो बुरे हैं उनके साथ भी अच्छा रहो थोड़े समय के लिए। जब वो उन लोगों के साथ आप भी अच्छा रहोगे तो वो लोग भी अच्छे बन सकते हैं। पर ऐसे लोग भी हैं जो बनते ही नहीं, तो उनके साथ भी उनके जैसा ही रहना पड़ता है। और कभी भी प्रयत्न करते रहो। करना चाहोगे तो वो होगा, पर करना ही नहीं चाहते वो कैसे होगा।
और दोस्तों, कभी भी आप सफलता हासिल करना चाहते हो तो अच्छे मार्ग और अच्छे तरीके से कीजिए। ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि मेरा परिवार भी ना टूटे, रिश्ते ना टूटे, और सफलता भी हासिल होनी चाहिए, और अच्छे से जीवन भी व्यतीत होना चाहिए, अच्छे से जीना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें। तो सिर्फ इन तीन चीज़ें अपने काबू में ला दो दोस्तों, आप जो चाहते हो वो ज़रूर होगा। सबसे पहली चीज़ है जुबान। जुबान की वजह से रिश्ते टूटने का यही तो होता है मूल्य जड़। इसकी वजह से रिश्ते टूटते हैं, इसीलिए इसको अपने काबू में लाओ। इसकी वजह से ही रिश्ते टूटते हैं। किस तरह बताता? सबसे पहले आपकी जुबान नहीं रहेगी आपके काबू में तो वो कुछ भी बोलेगी, तो आपका जो रिश्तेदार या आपके घर में ऐसा कोई होगा तो उसे गुस्सा ज़रूर आएगा और वो बोलेगा ऐसा क्यों बोला, और आपकी बहस लगेगी, और यही बहस आपके बाद में लड़ाई में बदल जाएगी, और यही लड़ाई आपके रिश्ते तोड़ने का कारण है। सिर्फ इस हल्की सी अपने मुंह में होती है ये हल्की सी जुबान, पर इसी ने बोले गए बहुत ही भारी शब्द कुछ लोग उठा नहीं पाते, उसके नीचे दब जाते हैं। इसलिए कभी भी सोच समझ के सारी चीज़ें बोले, सुने, देखे। और दूसरी चीज़ है आपका सबसे बड़ा शत्रु क्रोध। दोस्तों, क्रोध हमारे बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने और संतों ने, और बहुत हमारे संत हैं और भगवान हैं, उन्होंने भी, उन्हें सारे लोगों ने कहा है कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु है क्रोध। इसी क्रोध की वजह से रिश्ते टूटते हैं, मारपीट होता है, लड़ाई झगड़ा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से बहुत नुकसान भी होता है। इसकी वजह से आपको इस क्रोध को अपने नियंत्रण में लाना है, कब क्रोध करना है कब नहीं करना, ये आपके काबू में होना चाहिए। और तीसरी और आखिरी चीज़, डर। डर दोस्तों हर किसी को होता है, किसी को भी, छोटी बच्ची को या छोटे बच्चे को किसी पशु पक्षी से या किसी कीड़े से भी डर होता है, या बहुत सारे लोगों को असफलता से भी डर होता है, किसी चीज़ से भी डर होता है, या कौन सी चीज़ से भी दुनिया में है किसी से भी डर होता है इंसान को। इसलिए किसी से भी डरो मत, क्योंकि जब डरोगे तो पीछे हटोगे, जब डर को ही डरा दोगे तो वो डर पीछे हटेगा। कभी भी जल्दी हार मत मानो। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही कठिन परिस्थिति जल्दी आ जाती है, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं पर कठिन परिस्थिति आ जाती है तो वो जल्द ही क्या करेंगे अब ऐसे बोलने लगते हैं और परेशान हो जाते हैं, बहुत सोचने लगते हैं और कुछ नहीं करते, और वो परेशानी में, वो परेशानी जब छोटी चीज़ होती है जल्दी उसे मिटाना पड़ता है, क्योंकि आपका, समझ लो आपने, आपको कोई बुखार है, आपको बुखार है फिर भी आपने ठंडा पानी पिया तो आपको जल्द ही उसे गर्म पानी पीना पड़ता है। गर्म पानी ही पियो ज़्यादा से ज़्यादा, तब आप वो बुखार है उसे कम पार कर पाओगे, ख़त्म कर पाओगे। पर और आप ज़्यादा ठंडा पानी पियोगे तो बुखार बढ़ेगा और वो बढ़ते बढ़ते एक बड़ी से बड़ी बीमारी में बदल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए छोटी से छोटी चीज़ को वो अपने लिए बहुत ही खतरनाक है, तो उसे जल्दी ही मिटाना पड़ता है। वो कौन से भी चीज़ हो, वो बुखार हो या कोई चीज़ हो, जल्दी। और दोस्तों, सोच समझ के सारी चीज़ें किया करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इससे सुनिए, कौन से इंसान से सुन लिया कि इस तरह ऐसे ऐसे हो रहा है तो उसे जल्द ही सोचते भी नहीं और उसे करने लग जाते हैं। कभी भी मेहनत करो उसी काम में जिस काम में आपको अच्छा लगता है। दोस्तों, इंसान वही करता है जो उसे अच्छा लगता है। और दोस्तों, जो भी है और काम कर रहा है तो उसे बता दो आपको जो अच्छा लगता है वही कीजिए, उसमें आप सफल ज़रूर होंगे क्योंकि वो आपको अच्छा लगता है। और जो चीज़ हमें अच्छी लगती है उसके अंदर हम अपनी जी जान मेहनत लगा के उसके ऊपर काम करते हैं, और कौन से भी काम हो, मेहनत हो, कौन सी भी चीज़ हो, उसे जी जान लगा के मेहनत और पूरी लगन से करनी चाहिए, तब वो ज़रूर होगी और जल्द होगी और अंत तक ही टिकेगी।
और दोस्तों, अच्छे मार्ग और अच्छे तरीके से कौन सी भी चीज़ हासिल करें, नहीं तो जल्द ही हासिल करके जल्द ही आपके हाथों से वो चली जाएगी। पर जो चीज़ आप अच्छी तरीके से और पूरी ईमानदारी से हासिल करते हो तो वो अंत तक ज़रूर टिकेगी। कौन सी भी चीज़ अच्छाई और सच्चाई से ही हासिल करें। और दोस्तों, जो लोग आपको नीचे गिराने के या आपको ताने मारते हैं, उनके बारे में सोचो मत, बल्कि एक ही चीज़ करो, सिर्फ यही एक ही चीज़, और वो है नज़रअंदाज। दोस्तों, नज़रअंदाज से हम कुछ भी कर सकते हैं। नज़रअंदाज कौन सी चीज़ पे करें तो उसके ऊपर अपना ध्यान मत दो कभी भी, और नज़रअंदाज से भी बात नहीं बनती। तो आप दोस्तों, लोग तो ऐसे सोचते हैं कि आप लोगों के लिए तो एक ही चीज़ काम की है और आप उसके लिए ही हो। लोग ऐसे सोचते हैं कि आप कैसे भी हो, अच्छे हो बुरे हो, या आप खुश हो या ना हो, इससे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ इसी चीज़ से कि आप उन्हें खुश रखते हो या फिर नहीं। आप खुश रखोगे, आपसे उनको धन मिलेगा, दौलत मिलेगी, या खाने को मिलेगा, पीने को मिलेगा, कौन सी चीज़ मिलेगी, तो वो आपके आपके बारे में लोगों को बताएंगे, सुनाएंगे, तालियां बजाएंगे आपके बातों के ऊपर, आपके ऊपर, और अच्छा कहेंगे। पर आपसे उन्हें कुछ मिलना या कुछ उन्हें अच्छा मिलना बंद हो जाएगा तो वो आपका साथ छोड़ देंगे। ऐसे रास्ते हैं जिन रास्तों पे कोई नहीं, सिर्फ आप अकेले ही जाना पड़ता है। ना कौन सा इंसान, ना आपका कोई रिश्तेदार, ना ही कोई आपका परिवार, ना आप में आपके साथ जो परिवार में सब बहुत ही गहरा रिश्ते वाला भी नहीं, सिर्फ आप अकेले और आपके साथ एक ही चीज़, और वो आपकी हिम्मत। ये दोनों, यही दो चीज़ें आपको लेके उस रास्ते पे जानी पड़ती है। और कौन से भी बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे सोचते हैं कि असफलता परेशानियाँ सिर्फ मेरे ही ज़िंदगी में आई है, तो ऐसा सोचना बंद कर दो, क्योंकि हर किसी के जीवन में और कठिनाइयों में उनके जीवन में कठिनाइयाँ आई है। दोस्तों, आप बुरे हो या अच्छे हो, आपके जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी। अच्छे मार्ग पे चलना बहुत कठिन है, पर वही अच्छा और सच्चा और ईमानदारी का रास्ता है। ऐसे लोग हैं जो बुरे हैं, उनके ज़िंदगी में कठिनाइयाँ हैं। स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं बुरे लोगों को बहुत कुछ देता हूँ पर उनका साथ नहीं देता, पर अच्छे लोगों की मैं बहुत कठिन से कठिन परीक्षा लेता हूँ पर उनका साथ कभी नहीं छोड़ता। वो हमारा साथ देते हैं जो अच्छे लोग हैं, पर कभी साथ छोड़ते नहीं, हमें कुछ देते नहीं पर हमारा साथ कभी छोड़ते नहीं। दोस्तों, इस वीडियो से आपने जो भी जाना सुना देखा, जो भी मोटिवेशन लिया, अपने ज़िंदगी में ज़रूर उतारना, और अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। और जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को भी ऑल पे सेट जरूर से कर दीजिएगा, और भी मोटिवेशन वीडियो देखने सुनने के लिए, सफलता ज़रूर हासिल करना। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।